अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पाइस अप आज मैं आपके साथ एक और ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर करूंगी पेशावर की मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी चना मेवा पुलाव जिसे पेशावरी पुलाव भी कहा जाता है ये स्वीट एंड सॉल्टिश पुलाव अपने यूनिक फ्लेवर की वजह से दुनिया भर में बहुत फेमस है रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसे शेयर कीजिए तो चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ यहाँ पर मैंने लिया है बीफ इसको मैंने इस तरीके से बड़े स्लाइसिस में कट कर लिया है ये बोनलेस बीफ है यूजली इसके साथ बोन मैरो का इस्तेमाल होता है बट मैं बोनलेस में इसको कुक करूँगी बॉइल्ड चिक पीस चलेंगे इसमें वन कप के जितने सॉफ्ट रेड रेजन्स चाहेंगे इसमें इसे इन्हें मैंने ओवरनाइट सोक करके पानी इनका ड्रेन कर लिया था वन कप वन मीडियम साइज का अनियन एट टू नाइन गार्लिक क्लोव्स, वन टेबल स्पून रेड चिली पाउडर वन टेबल स्पून होम मेड गर्म मसाला पाउडर वन टेबल स्पून सूखा धनिया वन टेबल स्पून सॉल्ट और ये मेरे पास हैं टू सिनेमन स्टिक्स फाइव टू सिक्स ग्रीन कार्डिमम्स टेन टू ट्वेल्व होल ब्लैक पेपर्स यहाँ पे मैंने राइस सो किए हैं वन एंड हाफ कप बासमती राइस हैं यूजली इसमें सेला राइस का इस्तेमाल होता है बट मैं इसमें बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ थर्टी मिनट्स के लिए मैंने इन्हें सो कर दिया है अब प्रेशर कुकर या इंस्टेंट पॉट में हम अपना मीट एड करेंगे अनियन करियडर ल्ट गर्म मसाला गार्लिक रेड चिली पाउडर और इसमें एक टमाटो जाएगा जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी स्मॉल साइज़ का मैंने इसमें एक टमाटो ऐड किया है और फोर कप मैंने इसमें पानी डाला है स्टॉक के लिए और इसको मैं प्रेशर दूंगी 15 मिनट्स के लिए या तब तक आप इसे प्रेशर करें जब तक इसका मीट बिल्कुल टेंडर नहीं हो जाता अगर आपको लगे यखनी का पानी कम है तो आप बाद में भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप मीट के हिसाब से भी इसको प्रेशर दे सकते हैं अगर आपका मीट जल्दी सॉफ्ट हो जाता है तो इसको कम प्रेशर दीजिए आफ्टर फिफ्टीन मिनट्स के बाद मैंने अपने बीफ स्टॉक को स्ट्रेन कर लिया है ये है हमारा मीट इस तरीके से इसे सॉफ्ट होना चाहिए अब पैन में मैंने लिया है हाफ कप के जितना ऑयल अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने चिक पीस बॉइल्ड चिक पीस इसमें घी या ऑयल जो भी यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा जाएगा सोक्ड रेजन्स आपको ये रेड रेजन्स नहीं मिल रहे तो आप इसमें रेगुलर रेजन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम इनको फ्राई करेंगे थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल के ताकि ये हमारे ऑयल में अच्छे से फ्राई हो जाएं। इस रेसिपी में ज्यादा स्पाइसेस बिल्कुल भी नहीं जाते जब हमारे रेजन्स और चिक पीस अच्छे से फ्राई हो जाएं, तो इनमें से मैं हाफ जो है वो निकाल लूँगी दम के लिए अब इसमें मैं ऐड करूँगी अपना मीट गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट सॉल्ट अब अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिए और अपनी बीफ स्टॉक जो हमने प्रिपेयर की थी उसे हम ऐड करके इसे थोड़ी देर कुक करेंगे फाइव टू सेवन मिनट तक के हम इसे थोड़ा सा कुक करेंगे और अब हम इसमें अपने राइस ऐड करेंगे इस स्टेज पे आप इसमें सॉल्ट चेक कर सकते हैं अगर आपको स्पाइस कम लगे तो आप इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड कीजिए और सॉल्ट ऐड कीजिए हमारा पानी जो है वो ड्राई हो रहा है अब इस स्टेज पे हम अपने वेसन्स और चिक पीस जो हैं जो हमने निकाले थे उनको ऐड करेंगे और इसे स्टीम पे रख देंगे ताकि हमारी राइस जो हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं। ये देखिए हमारे राइस जो हैं डन हो चुके हैं इन्हें हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे आप राइस की लुक देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा चना मेवा पुलाव रेडी होता है ये देखिए कितना सॉफ्ट मीट है इस रेसिपी को बनाइए और इसे इंजॉय कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ सो स्टे विद मी एंड स्टे कनेक्टेड